कांग्रेस सरकार लाएंगे। सरकार वैसी आए जो सबको देने जाए, न्याय हो उन्नति हो। कांग्रेस पार्टी ने जारी किया चुनावी नारा, राहुल की महत्वाकांक्षी योजना बनी चुनावी नारा। नारे के आधार पर तैयार हुआ थीम सॉन्ग, चुनाव आयोग ने जताई थी गाने पर आपत्ति। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना चुनावी नारा जारी कर दिया है। इसको कांग्रेस ने अब होगा न्याय नाम दिया है। कांग्रेस के मुताबिक उनका चुनाव प्रचार अभियान न्याय के इर्द गिर्द रहेगा। नारे के साथ ही कांग्रेस ने प्रचार के लिए थीम सॉन्ग भी जारी कर दिया है, जिसे जावेद अख्तर ने लिखा है और निखिल आडवाणी ने इसकी वीडियो बनाई है। तुम झूठी चालें चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा करके और हर निर्धन को चलते कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। सरकार वैसी आए जो सबको दे दे जाए, न्याय हो उन्नति हो, न्याय हो प्रगति हो, न्याय किसान पाए हर नौजवान पाए, न्याय रोजगार लाए, न्याय मिटा दे नफरत, न्याय प्यार लाए। कांग्रेस के चुनावी गीत पर चुनाव आयोग ने पहले आपत्ति जताई। आपत्ति के बाद कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान गीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक लाइनें हटा दी। दिल्ली में चुनाव आयोग की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की टीम ने कांग्रेस को लाइनें हटाने के लिए कहा था। ये गीत भी पार्टी की न्याय योजना को ध्यान में रखकर ही बनाया गया। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। पार्टी ने आधिकारिक रूप से घोषणा भी की है कि कांग्रेस का प्रचार अभियान न्याय योजना के साथ साथ है। ये वही न्याय योजना है जिसके तहत राहुल गांधी ने गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की है। कांग्रेस के थीम सॉन्ग में पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए मोदी सरकार की नीतियों पर टिप्पणी की गई थी। चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ति जताई थी तो कांग्रेस ने इसमें सुधार कर दोबारा चुनाव आयोग के पास भेजा था। तब समिति ने इसे देखकर हरी झंडी दी।